एक बंदे ने मेरे से सवाल किया कमेंट में लिख करके कि क्या भगवान है या नहीं है और है तो कहाँ है। तो आपके रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाने की कमिटमेंट को पूरा करते हुए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों मैं दावा कर सकता हूँ कि आज के वीडियो में जो भी बातें होंगी वो कहीं ना कहीं आपको ये सोचने में मजबूर जरूर कर देगा कि भगवान है कि नहीं। तो अगर आपको सच में इस सवाल का जवाब चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो मैं बात शुरू करूंगा ब्रह्मांड से, इंसान के आकार से, इंसान की औकात से। इंसान कहाँ है, उसकी औकात क्या है, उसकी हैसियत क्या है, उसका वजूद क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात शुरू करते हैं हमारे धरती के चांद से। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जिस तस्वीर को अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं वो है हमारा चांद, यानी कि हमारा मून, जो कि हमारी धरती से 4 गुना छोटा है। और इतना ही नहीं, वो सेरस और प्लूटो नाम के ग्रह से भी बड़ा है। उसके बाद बात करते हैं मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी हमारे मून से बहुत बड़ा है। उसके बाद बात करते हैं ग्रैनीमेट की, जो कि एक और ग्रह है, वो मर्करी से बड़ा है। उसके बाद बात करते हैं मार्स की, यानी कि मंगल की, जो कि ग्रैनीमेट से भी बड़ा है। फिर बात करते हैं वेनस की, जो कि मार्स से बहुत ज्यादा बड़ा है। और फिर बात करते हैं हमारी पृथ्वी, हमारी धरती की, जो कि वेनस से बड़ा है। इसके बाद हम बात करते हैं तो केपलर, ये एक ग्रह है जो कि हमारी पृथ्वी से कई गुना ज्यादा बड़ा है। इसके बाद बात करते हैं नेपच्यून की, जो कि केपलर से भी बड़ा है। फिर बात करते हैं यूरेनस का, जो कि नेपच्यून से बड़ा है। उसके बाद सैटर्न, जो कि यूरेनस से भी बड़ा है। और फिर बात करते हैं एक और सितारे की, जो कि हमारे सैटर्न से भी बड़ा है। फिर बात करते हैं जुपिटर की, जो कि उस सितारे से भी बड़ा है। फिर बात करते हैं एक और ग्रह की, जिसका नाम है HD 100546, जो कि बाकी ग्रह से बड़ा है। और फिर हमारा सूरज, जो कि इन सारे ग्रहों से सबसे बड़ा है। फिर बात करते हैं साइरस की, जो कि हमारे सूरज से भी बड़ा है। फिर बात करते हैं पोलस की, जो कि साइरस से भी बड़ा है। पोलस के बाद आता है आर्कटूरस, जो कि पोलस से भी बड़ा है। उससे भी बड़ा सितारा है एल्डेबरन। और फिर उसके बाद उससे भी बड़ा सितारा है रीजल, जिसे ब्लू सुपर जायंट भी कहते हैं। उससे भी बड़ा है पिस्टल स्टार। और उससे भी बड़ा है एंटेरेस, जो कि एक सितारा है। उससे भी बड़ा है बेटलग्यूस। और फिर उससे भी बड़ा है कैनिस मेजोरिस। और उससे भी बड़ा है यूवाई स्कूटी। ये सारे सितारे हमारे ग्रह से काफी बड़े हैं। अब इस दायरे को हम लोग बढ़ाते बढ़ाते ब्रह्मांड के आकार तक जा रहे हैं। क्या है ब्रह्मांड, कितना बड़ा है ब्रह्मांड, जरा देखिए आप इसे, तो शायद आपको हकीकत का पता चलेगा कि हम लोग क्या है, इंसान क्या है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, लाखों करोड़ों सितारे हैं, खरबों सितारे हैं, ये हमारा गैलेक्सी है। यहां पर लाखों करोड़ों सितारे एक साथ इकट्ठा है और ये खरबों सितारे मिलकर के बनाते हैं एक गैलेक्सी, जो कि है हमारा आकाशगंगा, हमारा मिल्की वे गैलेक्सी। ये है हमारा आकाशगंगा, जिसका सीमा अपार है, जो कि बहुत बड़ा है, जिसमें लाखों करोड़ों अरबों सितारे हैं। ये है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी। जरा सोचो इसकी आकार के बारे में सोचो। मिल्की वे गैलेक्सी के अलग अपोजिट में एक और गैलेक्सी है, और ना जाने उन जैसे कितने गैलेक्सीज आकाशगंगा हमारे चारों ओर है, ना जाने कितने उस करोड़ों की संख्या में है। उन सारों को मिला करके जो बनता है वो है हमारा ब्रह्मांड। उन सभी गैलेक्सीज, उन सभी मंडलों को मिला करके जो बनता है वो है हमारा ब्रह्मांड। ये है हमारा ब्रह्मांड।
जिसमें लाखों करोड़ों अरबों गैलेक्सीज हैं। ये है हमारा ब्रह्मांड। ये है हमारा यूनिवर्स। और इतना ही नहीं, आप इस वक्त जो अपने स्क्रीन में देख रहे हो, ये है हमारा यूनिवर्स, एक बॉल। और इतना ही नहीं, ना जाने अपने यूनिवर्स की तरह ना जाने और कितने हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में यूनिवर्स हैं, जो कि आपस में एक साथ हैं। और ये करोड़ों की संख्या में यूनिवर्स मिलके बनाते हैं मल्टीवर्स। और क्या पता इन सारे मल्टीवर्स के ऊपर भी एक सुपरवर्स हो, जिसमें हजारों मल्टीवर्स हो, करोड़ों मल्टीवर्स हो। ये है हमारा ब्रह्मांड। अगर यहां से माइक्रोस्कोप लगा करके भी देखा जाए तो तुम नहीं दिखने वाले, कोई नहीं दिखने वाला। इन सारी बातों के अलावा अगर मैं बात करूं तो क्या कभी सोचा है कि ये कैसे आया होगा, कहां से आया होगा? ये ब्रह्मांड बना तो बना कैसे? इतना बड़ा स्पेस, इतना बड़ा जगह, कैसे चल रहा है ये? चलो ब्रह्मांड को छोड़ो, धरती पे ही आते हैं। पिरामिड का नाम सबने सुना है, सुना ही होगा। कभी गौर किया है इतना ऊंचा पिरामिड बना तो बना कैसे? कैसे एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर को रखा गया होगा इस पिरामिड को बनाने के लिए, जहां पर एक पत्थर का वजन 5 टन है। हाथी भी 5 टन के पत्थर को खींच सकता है, लेकिन इतनी ऊंचाई तक इसे कैसे रखा गया होगा? वापस आओ, एक बार फिर से बात करते हैं। क्या तुमने स्टोनहेंज का नाम सुना है? जो आप तस्वीरों में देख रहे हो, यह है स्टोनहेंज। कभी सोचा है क्या इस तरह के लंबे लंबे पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा कैसे गया होगा? किसने रखा होगा ये? क्या है ये? कभी सोचा है क्या? आपको पता है मंगल ग्रह में इतना रिसर्च क्यों हो रहा है? क्या आप जानते हो क्या वजह है इस बात के पीछे कि लोग मंगल में यान भेज रहे हैं, लोग वहां पानी की खोज कर रहे हैं? क्या वजह है? हम सभी ने एक थ्योरी बचपन में पढ़ी थी कि इंसान बंदर में से आया है, बंदर से इवॉल्व हुआ है। कुछ वक्त पहले कुछ साइंटिस्ट ने एक सवाल उठाया कि जब इंसान बंदर से इवॉल्व हुआ है तो सारे बंदर इंसान क्यों नहीं बन गए? तब ये जो थ्योरी था, चार्ल्स डार्विन थ्योरी, जिसमें यह बताया गया था कि इंसान बंदर से आया है, ये थ्योरी को खारिज कर दिया गया। आइंस्टाइन के एक थ्योरी के हिसाब से अगर इस पृथ्वी में से मधुमक्खी की नस्ल खत्म हो जाए तो उसके कुछ सालों बाद इंसान भी नहीं रहेगा और ना जाने कितने प्रजाति खत्म हो जाएंगे। क्या कभी आपने सोचा है कि धरती से अगर इंसान ही खत्म हो जाए तो क्या होगा? चारों ओर हरियाली होगी, कोई गंदगी नहीं होगी, कोई पेड़ नहीं काटेगा, कोई प्रदूषण नहीं होगा। साइंटिस्टों का यह मानना है कि इंसान इस धरती का है ही नहीं, इसी के लिए लोग मार्स पे रिसर्च कर रहे हैं। उनका यह मानना है कि जब मार्स में प्रलय आया तो इंसान वहां से निकलकर धरती पे आ गया और यहां बस गया। क्यों हर एक जानवर के इतने सारे प्रजाति होते हैं, इंसान का कोई प्रजाति क्यों नहीं है? क्यों सांप के 1000 से ज्यादा प्रजाति है? क्यों बंदर के इतने सारे प्रजाति है? क्यों कुत्तों के इतने सारे प्रजाति है लेकिन इंसान सिर्फ एक है? क्यों? क्या आपने ये कभी सोचा है? मानो या ना मानो, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें ये सोचने को मजबूर करती हैं कि भगवान है कि नहीं है। इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है, जिसके पास जवाब है वो इस दुनिया में नहीं है। ये तथ्य वैसा ही है जैसे किसी ने भूत को देखा है। जिसका भूत से आमना सामना हो जाता है वो दुनिया में रहता ही नहीं है, और जो रहता है उसकी बातों पर लोग यकीन नहीं करते। क्या एलियन है कि नहीं है? जिसने देखा है शायद वो इस दुनिया में है नहीं, और जो इस दुनिया में है लोग इनकी बातों में यकीन नहीं करते। इस दुनिया में ना जाने कितने लोग इस हकीकत से अनजान है कि कौन है भगवान। कुछ लोग कहते हैं कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमें धर्म की रक्षा करनी है, अपने भगवान की रक्षा करनी है। तुम उसकी रक्षा करोगे जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया? उस ब्रह्मांड में तुम एग्जिस्ट भी नहीं करते, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारी कोई वजूद नहीं है। तुम्हारा जन्म कब हुआ तुम्हें पता नहीं, इंसान कब इस धरती पे आया तुम्हें नहीं पता, तुम फिर भी किस भगवान के लिए लड़ रहे हो? और उसमें आपस में ही लड़े जा रहे हैं, एक दूसरे को मारे जा रहे हैं। न जाने कितनों ने कितनों को भगवान के नाम पे खत्म कर दिया, मार दिया। कितने सारे लोग बलि चढ़े हैं, किस भगवान के वास्ते, किस भगवान के खातिर? अरे कभी मुड़ के देखो, क्या है भगवान, कौन है भगवान? कभी सोचना जरूर, मौका मिले तो, कौन है भगवान? ये दुनिया इतने ही इसी तरीके के विचित्र बातों से भरी पड़ी है। मुझे नहीं पता कि भगवान है कि नहीं, लेकिन कुछ तो है, कुछ ऐसी चीजें जरूर है
कि इंसान अगर मर जाता है ऐसा क्या होता है, उसके शरीर से क्या निकल जाता है कि इंसान की मौत हो जाती है, उसका शरीर काम करना बंद कर देता है, ऐसा क्या है? क्या आपने कभी सोचा है? मौका मिले तो सोचना जरूर। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका रहस्य अब तक ना खुल पाया, और मेरे ख्याल से ये उम्र कम है हमारे लिए कि इसका रहस्य खुलेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स। अरे यार 500 लाइक्स बहुत ज्यादा तो है नहीं, अरे दे दो यार। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार, उससे मेरी गुजारिश है कि यार प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप भी जानते हो कि ऐसा चैनल आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया में शेयर जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।